हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट टेक्निक के बारे में। ज़्यादातर हम पेशेंट्स को घर पर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कहते हैं, लेकिन कई बार लोग सही तरह से ब्लड प्रेशर का मेजर नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से कई बार बीपी की रिकॉर्डिंग गलत भी आ सकती हैं और उसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कई बार चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के मेजरमेंट में ही 10 या 20 मिलीमीटर का एरर होता है, उसकी वजह से हम पेशेंट का बीपी को ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो असेस करते हैं, उसके हिसाब से हमारी मेडिसिन को हम एडजस्ट करते हैं, तो मेडिसिन मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है और गलत डोज पेशेंट को दिया जाता है। इसलिए आज हम बेसिकली बात करेंगे कि बीपी को किस तरह से मेजर किया जाता है और उसको मेजर करने के समय किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस डिस्कशन के दौरान आप ये रियलाइज़ करेंगे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से और बहुत छोटी बातों का अगर हम ध्यान ना रखें तो ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स में बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकता है और इसकी वजह से हमारे मैनेजमेंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी, यानी कि ये एक प्रेशर है जो कि ब्लड जब हमारी धमनियों में से भैंस से बहता है तो वो हार्ट की नलियों के पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये फोर्स बहुत कम हो जाए तो हमारी कोशिकाओं में बराबर ब्लड का फ्लो नहीं हो पहुँच पाएगा और हमारी कोशिकाओं में जितने प्रेशर से ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने पर भी नुकसान होता है क्योंकि कई बार अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो नलियों की दीवारों का डैमेज होने का या उनके फटने का भी रिस्क रहता है, जिससे रिलेटेड लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, लकवा, नलियों का फटना, ब्रेन हेमरेज, इस तरह की बीमारियों का प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर एडिक्वेटली हो या प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो तो ही पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा या बहुत कम ब्लड प्रेशर दोनों ही पेशेंट के लिए घातक होता है। इस चीज़ों को असेस करने के लिए और अप्रोप्रिएटली मैनेज करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ब्लड प्रेशर को सही तरह से मेजर करें और उसका सही रिकॉर्डिंग करें। और इन सब चीज़ों के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे हम। एक फिनोमेना होता है जिसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में आपने ऐसा देखा होगा कि जब वो घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या आसपास में किसी नज़दीकी क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल आता है, लेकिन जब वो किसी डॉक्टर के पास या किसी नए डॉक्टर के जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया है या जिसके पास वो कंफर्टेबल नहीं है या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर अपने आप ही घबराहट की वजह से बढ़ जाता है। ये घबराहट होना स्वाभाविक है, नेचुरल है और ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट को कोई बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सिर्फ इसलिए एंग्शियस होता है कि डॉक्टर उसे कौन सी नई बीमारी बता देगा, कौन सी हार्ट की नई बीमारी सामने निकल के आ जाएगी जिससे उसके जान को कितना खतरा हो जाएगा। ये सब की वजह से पेशेंट के दिमाग में एक भय, एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है। और हमने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से 30 से 40 मिलीमीटर का भी डिफरेंस आ सकता है, यानी कि पेशेंट का घर पर ब्लड प्रेशर 130-140 के आसपास रहता है रेगुलरली, लेकिन क्लिनिक पर आने के बाद वो 180 या 200 तक भी पहुंच सकता है। और ऐसे केसेस में अगर हम इस फिनोमेना को प्रॉपरली एड्रेस ना करें और हम इस चीज़ को ध्यान ना रखें तो हम पेशेंट को ज़्यादा ब्लड प्रेशर के हिसाब से अगर दवा देना चालू करें तो पेशेंट को नुकसान भी होगा, क्योंकि उसका एक्चुअल ब्लड प्रेशर वही है जो वो घर पर मेजर कर रहा है, यानी कि 130-140, लेकिन अगर हम 200 या 180 के हिसाब से उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देना चालू करें तो घर पर जाके उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा और ऐसे केस में उसको सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स भी होना चालू हो जाएंगे, यानी कि चक्कर आना, कमजोरी होना, बॉडी का परफ्यूजन प्रेशर कम होना, किडनी वगैरह फेल होना, इस तरह के डैमेज होना चालू हो जाएंगे। और ऐसा पेशेंट्स आपकी दवाओं को भी टॉलरेट कर पाएगा बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्लड प्रेशर पेशेंट का घर पर मेजर होता है उसी ब्लड प्रेशर को हम पेशेंट का एक्चुअल ब्लड प्रेशर माने और हमारी दवाइयों का डोज उसी हिसाब से हम टाइट्रेट करें। इस फिनोमेना को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर के प्रेजेंस में, यानी डॉक्टर के व्हाइट कोट यानी एप्रिन के प्रेजेंस में उनका जो घबराहट की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये काफ़ी कॉमन है, ये ऑलमोस्ट 33% पॉपुलेशन यानी 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, यानी कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। और ये बीपी का वेरिएशन अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, किसी में 5 से 10 मिलीमीटर का वेरिएशन आता है जो कि काफ़ी कॉमन है और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 20 से 30 मिलीमीटर तक का डिफरेंस भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर फीमेल पेशेंट्स में या जो लोग की एंग्शियस पर्सनैलिटी है उस लोगों में इस तरह का फिनोमेना ज़्यादा हो सकता है। जो लोग वैसे भी थोड़ा एंग्शियस है उस तरह के लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जा सकती है, पर हाँ जो लोग नॉर्मली भी उतने एंग्शियस नहीं है उसमें भी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर का वेरिएशन आ सकता है।
इसे डायग्नोज करने के लिए ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप घर पर ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग करिए और घर पर कितना आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो हमें बताइए। रेगुलर बेसिस पे अगर वो एक चार्ट मेंटेन करे जिसपे घर पर उनका ब्लड प्रेशर कितना रहता है वो अगर असेस करे तो हम उसे ज्यादा असेस एक्यूरेटली समझ सकते हैं कि क्लिनिक पर और घर पर उनकी बीपी का डिफरेंसेस कितना रह रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका या सबसे बेस्ट तरीका एक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसमें हम एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस पेशेंट को बॉडी पे कनेक्ट करके उसे घर भेज देते हैं और वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस हर 30-30 मिनट में एक बार ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग करते रहती है, यानी कि दिन में लगभग 30 से 40 रिकॉर्डिंग वो करती है और उसका एक चार्ट हमें दिन भर के एंड पे मिल जाता है जिससे कि हम असेसमेंट कर सकते हैं कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर एक्चुअल में घर पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब वो खा पी रहा है या घर में अपनी फैमिली के साथ है या रात को जब वो सो रहा है तब उसका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। और ये ब्लड प्रेशर पेशेंट का एग्जैक्ट या एक्यूरेट ब्लड प्रेशर माना जाता है जिसके हिसाब से हम दवाइयों को अगर मॉडिफाई करें तो पेशेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने का चांसेस है। ये ऐसे लोगों में हमें सस्पेक्ट करना चाहिए जब पेशेंट हमारे पास आता है जिनका ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 180 या 200 या बहुत हाई लेवल्स पे आ रहा है लेकिन उनको ECG में या किडनी के लेवल्स में या कोई भी टारगेट ऑर्गन जिसे हम कहते हैं उसका कोई भी डैमेज उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पेशेंट का ECG इको और बाकी आँखी फंडस की जो चेकअप हम करते हैं या किडनी के पैरामीटर्स जो हम चेक करते हैं सब नॉर्मल है, कोई ECG में भी कोई ब्लड प्रेशर के चेंजेस नहीं है लेकिन फिर भी उसका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई आ रहा है क्लिनिक में तो हम इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन समझ सकते हैं और इसे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग टेक्निक से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट में हमें ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी अगर इस तरह का पेशेंट हमें मिलता है या कंफर्म होता है उसकी डायग्नोसिस तो हमें उस पेशेंट में जो घर का ब्लड प्रेशर आ रहा है उसी के हिसाब से पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्लिनिक का मेजर किया हुआ ब्लड प्रेशर ज्यादातर ऐसे केस में गलत होता है और उसके हिसाब से हमें दवा को टाइट्रेट नहीं करना चाहिए। इसका बिल्कुल विपरीत फिनोमिना है मास्ट हाइपरटेंशन। मास्ट हाइपरटेंशन में वाइट कोट हाइपरटेंशन का बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें पेशेंट का घर का ब्लड प्रेशर तो ज्यादा आता है लेकिन क्लिनिक पर कुछ फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसे ये भी काफी कॉमन है और 8-10% ऑफ द पॉपुलेशन में मिलता है, हालांकि वाइट कोट हाइपरटेंशन से कंपेरेटिवली कम कॉमन है। ज्यादातर ये उम्र दराज पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस भी वैसा ही है क्योंकि इसको अगर हम एक्यूरेटली अगर असेस ना करें और पेशेंट को हम कम ब्लड प्रेशर के हिसाब से अगर मेडिसिन देना चालू करें तो घर पर उसका ब्लड प्रेशर जो ज्यादा रह रहा है उसकी वजह से उसको प्रेशर रिलेटेड डैमेजेस और सिस्टमिक डिसफंक्शन या टारगेट ऑर्गन डैमेज होना चालू हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसको भी डायग्नोज करने के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर ही बेस्ट स्टैंडर्ड है। अगर हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर घर पर चार्टिंग जो हमें मिलती है वो अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का घर पर ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है, क्लिनिक सेटिंग में ब्लड प्रेशर कम रह रहा है, यानी कि वो पेशेंट मास्ट हाइपरटेंशन यानी की फिनोमिना से पीड़ित है। इसको मैनेज करने के लिए भी हमें जो घर पर ब्लड प्रेशर रह रहा है उसी को ज्यादा एक्यूरेट मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से दवाओं को ट्राइटेट करना पड़ेगा, भले उसके क्लिनिक में हमें ब्लड प्रेशर कम भी मिल रहा है तो भी हमें उसको घर के ब्लड प्रेशर के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। और इसको हमें तब सस्पेक्ट करना चाहिए जब पेशेंट को टारगेट ऑर्गन डैमेज तो है, यानी कि हार्ट पे, किडनी पे, बॉडी ये सभी ऑर्गन्स पे हमें टारगेट ऑर्गन डैमेज तो मिल रहा है, सब ऑर्गन्स में बीपी के चेंजेस मिल रहे हैं लेकिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो बिना दवाओं के भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है क्लिनिक पे, तो ऐसे पेशेंट में हमें मास्ट हाइपरटेंशन को सस्पेक्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमें दवा को ट्रीट मैनेजमेंट या टाइट्रेट करना चाहिए। एक और फिनोमिना होता है जिसे नॉक्टर्नल डिप फिनोमिना बोलते हैं। इस तरह कई पेशेंट्स में कई बार क्या होता है कि रात को पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली कम हो जाता है, ये नॉर्मल फिनोमिना भी है क्योंकि पेशेंट के ज्यादातर जब रात को रेस्ट लेता है या बॉडी में कैटेकोलेमिन लेवल कम रहता है, बॉडी में स्ट्रेस कम रहता है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप तो होता ही है लेकिन कई बार किसी किसी पेशेंट में ये बॉडी में ऑटोनोमिक सिस्टम यानी बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स में गड़बड़ अगर हो तो ये रात को ब्लड प्रेशर ज्यादा डिप हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को जब हम दवाइयां देते तो रात को बीपी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है और उनको साइड इफेक्ट्स होना चालू हो जाते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए भी सबसे बेस्ट टेक्निक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर ही है। ऐसे पेशेंट में हम जब एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को कनेक्ट कर देते हैं तो रात को अगर ब्लड प्रेशर डिप हो रहा है तो बिना पेशेंट को उठाए ये ब्लड प्रेशर का कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करता रहता है और पेशेंट का एक्यूरेट ब्लड प्रेशर का हमें चार्टिंग मिल जाता है कि रात को उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो उसके हिसाब से हम ब्लड प्रेशर को दवाई को टाइट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मॉर्निंग सर्ज फिनोमिना या डॉन फिनोमिना भी होता है जिसमें कि पेशेंट का सुबह का ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स को जिनको हार्ट अटैक या कोई भी
प्रॉब्लम्स आते हैं वो सुबह के टाइम पे ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा लेवल्स पे होता है। इसी के लिए कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों को सुबह उठते ही सबसे पहले ले लेना सबसे अच्छा रहता है, या ब्लड प्रेशर की दवाइयों को डिवाइडेड वे में लेना सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम सुबह उठने के 3 से 4 घंटे के बाद अगर दवा को लेंगे तो ये सुबह के टाइम पे जब सबसे ज्यादा बीपी पीक लेवल पर पहुंचता है वो टाइम का हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ब्लड प्रेशर को, और पेशेंट को भले हम दिन भर दवा भी ले रहे हैं लेकिन ये सडन मॉर्निंग में जो बीपी का सर्ज होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पेशेंट को बीपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स या हार्ट अटैक उसी टाइम पे सबसे ज्यादा होंगे। इसके लिए हम ज्यादातर डॉक्टर्स बीपी की दवाइयों को डिवाइडेड डोज में देना, यानी एक डोज सुबह और एक डोज रात को देना पसंद करते हैं, ताकि 24 घंटे का पूरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। घर पर जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो जो ज्यादातर पेशेंट्स में हम यूज करते हैं वो ऑटोमेटिक या डिजिटल बीपी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को ही प्रेफर करते हैं। कुछ लोग की ऐसी भ्रांति या भ्रम रहता है कि मर्क्यूरी मेजरिंग डिवाइस जो क्लिनिक बेस्ड में यूज करते हैं वो बीपी डिवाइसेस ज्यादा एक्यूरेट हैं और घर वाले ये जो डिजिटल बीपी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है वो गलत है। मैं ऑलमोस्ट कम से कम अपने क्लिनिक में 8-10 साल से ये डिजिटल बीपी रिकॉर्डिंग डिवाइस ही यूज कर आता हूँ। ज्यादा देर ही काफी एक्यूरेट है और काफी क्लोज रेंज तक भी ब्लड प्रेशर को ये मॉनिटर करता है। अगर आपने अच्छी कंपनी का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस लिया है तो इसमें इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ऑब्वियसली मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेज में पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है पेशेंट को, अगर वो खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है और प्रॉपर ट्रेनिंग या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, तभी आप वो बीपी को घर पर मेजर कर सकते हैं। घर पर मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइस या नॉन डिजिटल डिवाइसेज से मेजर कर पाना ज्यादातर लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मर्क्यूरी बेस्ड डिवाइसेज ज्यादातर वहीं पे अच्छी है जैसे जहां हम क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर मेजर करवा रहे हैं, और वहां पर भी तब जब डॉक्टर खुद आपका बीपी मेजर कर रहा है या स्टाफ बहुत अप्रोप्रिएटली ट्रेंड है वो ही बीपी को मेजर कर रहा है। नहीं तो कई बार क्या है जूनियर लेवल का स्टाफ भी अगर क्लिनिक्स पर रहता है वो बीपी मेजरमेंट के लिए बहुत अच्छे से ट्रेंड नहीं है तो वो कई बार छोटी मोटी गलतियां कर देता है जिसमें कि ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स में काफी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए घर के मेजरमेंट के हिसाब से डिजिटल बेस्ड या ऑक्सीलोमेट्रिक टेक्निक वाले जो बीपी डिवाइसेज होते हैं यही ज्यादातर सूटेबल माने जाते हैं। इसमें अलावा अब हम बात करेंगे इन्वेसिव बीपी मॉनिटरिंग के बारे में। इन्वेसिव बीपी मॉनिटरिंग ज्यादातर गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की दुनिया में जो सबसे एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग माना जाता है उसे इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें एक्चुअल में हम ब्लड में यानी नलियों के अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है और एक्यूरेटली ट्रेसिंग के साथ आपको ब्लड प्रेशर का रिकॉर्डिंग देता है। ये ऑब्वियसली क्योंकि इन्वेसिव टेक्निक है तो इसलिए घर पर या क्लिनिक बेस्ड सेटअप से पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हॉस्पिटल में पॉसिबल होता है। और ये हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत ज्यादा लो हो या बहुत ज्यादा हाई हो या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, जो कि रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ हमें एक्यूरेट रीडिंग अगर नहीं मिल पा रही है तो ही हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि ये इन्वेसिव है, पेशेंट को इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी रहता है। तो रूटीन पेशेंट्स में इन्वेसिव टेक्निक को हम यूज नहीं कर सकते, पर हाँ ये सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्निक है। और जहां पर भी डाउटफुल सिचुएशन है कि ब्लड प्रेशर अगर बीपी कफ से मेजर कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, तो वहां पे केसेस में इन्वेसिव बीपी रीडिंग जो आती है उसको ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ये हॉस्पिटल बेस्ड सिनेरियो में जहां पेशेंट एडमिटेड है और कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा खराब है, या पेशेंट कोमेटोज है, वेंटिलेटर पे है, जहां बीपी मेजरमेंट पर सारी दवाइयों को मैनेज करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे केसेस में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर हम इन डिवाइसेस को बहुत ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2-3 दिन तक या 4 दिन तक ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने ज्यादा देर तक हम इलेक्ट्रोड कनेक्टेड रखेंगे उसमें क्लॉट बनने का या पेशेंट को इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ते जाता है। तो ये जब पेशेंट सबसे ज्यादा क्रिटिकल या खराब कंडीशन में होता है तभी हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, और मैक्सिमम 2-4 दिन तक कनेक्ट करने के बाद इसको हम चेंज कर इसको निकालना पड़ता है या उसको हटाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे बीपी मेजरमेंट टेक्निक के बारे में। घर पर जब हम बीपी मेजरमेंट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बीपी मेजरमेंट में किस तरह के एरर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम क्लिनिक्स पर भी कई बार बीपी जब मेजर करते हैं तो कई तरह के एरर्स हम करते हैं, जिसमें कि अगर हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर बहुत डिटेल में या बहुत अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो हम राउंड ऑफ करने की एक टेक्निक होती है, यानी कि अगर हम 122/82 या 124/84 ब्लड प्रेशर भी मिलता है तो हम उसे 120/80 लिख के राउंड ऑफ कर देते हैं एक तरह का। ये राउंडिंग ऑफ कई बार काफी सिग्निफिकेंट एरर्स प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसमें एक तो हमारी मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, क्योंकि हम लगभग 120/80 या 130/90 इस तरह से मेजर करते हैं, जो कि कई बार बहुत एक्यूरेट नहीं होता, और ये लैक ऑफ एक्यूरेसी की वजह से भी 2000 मिलीमीटर का मिनिमम डिफरेंस तो आ ही सकता है,
और ये राउंडिंग ऑफ करने की वजह से यानी कि 124 को 120 या 126 को 130 रिपोर्ट करने की वजह से भी 4 से 5 मिलीमीटर का डिफरेंस आ सकता है। और आपको जान के ताजुब होगी ज्यादातर बीपी की जो दवाइयां आती है उसमें जो दवाइयों का कंट्रोल होता है वो दिन भर में 5 से 10 मिलीमीटर का ही एक दवाई कर पाती है। एक दवाई अपने फुल डोज में मैक्सिमम 5 से 15 मिलीमीटर तक का ही बीपी को कंट्रोल कर सकती है। यानी कि अगर आपकी मेजरमेंट में 5 या 10 मिलीमीटर का भी अगर गलती हो गई तो आपको एक एक्स्ट्रा दवाई या एक कम दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होगा जितनी आपकी आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, और वो दवाई आप फुल डोज में अननेसेसरी ले रहे होंगे और आपकी बॉडी को उसकी वजह से अननेसेसरी कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा आपकी फैमिली को और आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट्स भी बेयर करना पड़ेगा। ये बीपी मेजरमेंट टेक्निक में एक तरह का एरर माना जाता है जिसको राउंडिंग ऑफ टेक्निक की वजह से एक बायस कहते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स में हमारा एक ऑब्जर्वेशनल बायस भी रहता है। ऑब्जर्वेशनल बायस में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि ये आदमी का ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा या ये आदमी का ब्लड प्रेशर कम आएगा। यानी कि कोई दुबला पतला या नॉर्मल बॉडी वेट या यंग पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम मान के चलते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा, तो हम उसमें जो हमें थोड़ा नियर नॉर्मल रीडिंग मिलती है हम उसको ज्यादा एक्यूरेट मान के वही रिपोर्ट कर देते हैं। इसको ऑब्जर्वेशनल बायस बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई मोटा आदमी अगर आता है जिसमें हमें मान के चलते हैं कि ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो हम जो ज्यादा ब्लड प्रेशर रीडिंग मिलती है हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे ऐसा जरूरी नहीं है कि दुबले पतले आदमी को हाई बीपी नहीं हो सकता या मोटे आदमी को लो बीपी नहीं हो सकता, पर ये हमारे अंदर या जो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है उसमें एक ऑब्जर्वेशनल बायस क्रिएट हो जाता है कि वो देखने का उसका नजरिया ही गलत है, इसकी वजह से वो बीपी की रिकॉर्डिंग जो या चार्टिंग जो कर रहा है वो कई बार गलत हो जाता है। ये क्लिनिक बेस्ड रिकॉर्डिंग में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे ऑब्जर्वेशनल बायस बोलते हैं। इसके अलावा एक सिक्वेंशियल बायस या सिक्वेंशियल एरर भी होता है जिसमें अगर डॉक्टर की या पेशेंट की बीपी मेजरमेंट की टेक्निक अगर गलत है तो वो बार बार उसी तरह के एरर्स क्रिएट करेगा और बीपी मेजरमेंट में बार बार उस तरह के एरर्स आते जाएंगे। अब हम बात करेंगे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के बारे में। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात की है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग ज्यादातर उन सर्कमस्टांसिस में वैल्यूएबल है जहां पेशेंट की क्लिनिक पर जो हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट मिल रहा है या हमें शक है कि पेशेंट का जो दवाई हम मैनेज कर रहे हैं या जो डोज हम पेशेंट को दे रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, पेशेंट को जो बीपी के साइंस एंड सिम्टम्स है वो ज्यादा या कम है लेकिन बीपी की रीडिंग्स काफी बार अलग आ रही हैं या गलत आ रही हैं, वैसे केसेस में हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं। ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं एक बीपी मॉनिटरिंग का एक कंसोल या छोटा सा यूनिट रहता है, पोर्टेबल डिवाइस रहता है जो हम पेशेंट की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं और उसका एक ब्लड प्रेशर कफ रहता है जो पेशेंट के हाथ में हम बांध देते हैं। ये प्रेशर कफ में ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है जो हर 30 मिनट में ब्लड प्रेशर कफ को ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट करता है, पेशेंट को इससे कोई सिग्निफिकेंट पेन या तकलीफ नहीं होती है और पूरे 24 घंटे में लगभग 30 से 40 बार ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग करता है। दिन के टाइम में हर आधे घंटे में एक बार बीपी को रिकॉर्ड करता है और रात के टाइम में हर एक घंटे में ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। तो इसके द्वारा हम जहां वाइट कोट हाइपरटेंशन, मास्ट हाइपरटेंशन, नॉक्टर्नल डिप फिनोमेना, मॉर्निंग सर्ज फिनोमेना, इस तरह की चीजों को जहां पर भी हमें असेस करना है या पेशेंट की ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स की एक्यूरेसी को अगर हमें असेस करना है तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। और इसमें हमें जो ब्लड प्रेशर मिलता है वो USFDA अप्रूव्ड यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग्स को ही हम पेशेंट की दवाओं को टाइट्रेट करने के लिए यूज करना चाहिए। रूटीन पेशेंट्स में हम इसका बार बार इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है और ऑन एन एवरेज एक दिन के लिए अगर हम यूज करते तो पेशेंट को 2 से 3 हजार का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। मशीन भी थोड़ी कॉस्टली आती है, 3-4 लाख तक की डिवाइस आती है, तो इसमें रूटीन बेसिस पे या डे टू डे बेसिस पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, जिस पेशेंट में ज्यादा डाउट क्रिएट होता है वहां पर हम इसे रिकमेंड करते हैं। रूटीन होम बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से ये इसलिए अलग है क्योंकि होम बेस्ड सिस्टम में आप दिन में 1 या 2 बार मॉनिटरिंग कर सकते हैं और वो भी आप किसी और पर डिपेंडेंट हो जो कि कफ को बांधेगा और आपको प्रॉपरली अपोजिशन करके रिकॉर्डिंग करेगा और उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बीपी मेजर करते टाइम कितना एंशियस हो, आप किस पोजीशन में बैठे हो, उसके हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में काफी वेरिएशन आ सकते हैं। जबकि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर में वो कंटिन्यूस आप दिन भर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग करता रहेगा और पूरे दिन का जो हमें चार्टिंग मिलता है वो ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस है और ज्यादा रिलायबल रिपोर्ट हमें मिलती है। ज्यादातर ये एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो है साल में 1-2 बार किया जा सकता है इस तरह के पेशेंट्स के लिए, या जब पेशेंट्स में हम दवाओं के डोज को चेंज करते हैं तो दवा के बाद ब्लड प्रेशर कितना एक्यूरेटली कंट्रोल हो रहा है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर अप्रोप्रिएटली मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जब या जब पेशेंट्स को बार बार दवाओं से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हम वापस से दोबारा एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर को रिपीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट कंसर्न्स रहते हैं तो इसे बार बार इसको हर 10-15 दिन या 1 महीने में बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते,
लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम एक बार एक पेशेंट को अगर करते हैं फर्स्ट सेटिंग के दौरान, तो 6 months to 1 year के बाद इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर की रीडिंग एक्यूरेटली आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज्यादातर दुनिया भर में जितने ट्रायल्स हैं या स्टडीज हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों को टेस्ट किया जाता है, वहां पर इसी टेक्निक को यूज किया जाता है, क्योंकि इस तरह से जो बीपी मेजरमेंट होता है वो सबसे एक्यूरेट और सबसे रिलायबल माना जाता है, और बीपी मेजरमेंट में इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के छोटे सेंसर्स के बारे में। आजकल काफी डिजिटल डिवाइसेस आने लगी है जिसमें फिंगर बेस्ड सेंसर्स होती है, रिंग बेस्ड सेंसर्स होती है, या बीपी मेजरमेंट के लिए वॉचेस वगैरह आती हैं, ये या ब्रेसलेट्स आते हैं जो पेशेंट्स को बीपी मेजर करते हैं। इन सब टेक्निक्स में एक सेंसर लगा होता है उस डिवाइस के अंदर जो आर्टरी के प्रेशर को असेस करता है और नली के प्रेशर को असेस करके आपको ये बताता है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली कितना आ रहा है। तो इसके हिसाब से ब्लड प्रेशर पेशेंट का मॉनिटर किया जाता है, पर ये सेंसर बेस्ड डिवाइसेस उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहते और इनका में कई बार मिस्टेक या गलत होने का चांस भी रहता है, ये थोड़े से कॉस्टली भी रहते हैं, इसलिए रूटीन यूज के लिए इनको सब पेशेंट्स में रिकमेंड नहीं किया जाता। फाइनली अब सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक चीज जिसके बारे में हमें बात करना था, ब्लड प्रेशर की टेक्निक क्या है और इस बारे में इसको जब हम फॉलो करते हैं तो किन चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, उस बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लड प्रेशर जो हम चार्टिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं घर पे, उसको बार बार नहीं करना है, दिन में 10 बार नहीं करना है, दिन में मैक्सिमम 1 या 2 बार आप अगर इसे किया तो सबसे अच्छा है पेशेंट के लिए। इसे आप कई लोग की आदत होती है कि दिन में 8 या 10 बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग महीने में 1-2 बार कर रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। मान के चलिए कि दिन में 1 से 2 बार अगर आपने इसको रिकॉर्डिंग किया तो वो पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है। यूजुअली जब हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करते हैं तो उस समय पेशेंट की पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें पोजीशन में पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे एक चेयर पे बैठाना चाहिए। ये चेयर प्रेफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम चेयर पे पेशेंट को बैठाते हैं तो पेशेंट का बैक यानी पीठ जो है उसकी सपोर्टेड रहती है, और जब ये पेशेंट का बैक सपोर्टेड रहता है तो उसमें पीठ की मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच या स्ट्रेस नहीं मिलता। तो इसमें भी ब्लड प्रेशर का वेरिएशन ऑन एन एवरेज अगर हम अनसपोर्टेड बैक के साथ बैठते हैं, यानी पेशेंट स्टूल पर बैठता है या पीठ को प्रॉपरली टिका के नहीं बैठता है, तो 8 से 10 मिलीमीटर तक का वेरिएशन इसमें भी ब्लड प्रेशर में आ सकता है। यानी पेशेंट को चेयर पर कंफर्टेबली बैठाना चाहिए जिसमें उसका बैक सपोर्टेड होना चाहिए, दोनों पांव हवा में लटकने नहीं चाहिए। कई बार अगर पेशेंट बहुत बड़े स्टूल वगैरह पर या चेयर पर बैठता है और उसकी हाइट अगर छोटी है तो दोनों पांव हवा में लटकते हैं, इसकी वजह से पांव की मसल्स में स्ट्रेस पड़ता है और बीपी ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग में थोड़ा मिस्टेक इसमें आ सकती है। इस दौरान जब हम पेशेंट को बैठाते हैं तो पेशेंट के पांव क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए, पेशेंट का पांव एक के ऊपर एक नहीं रखा हुआ होना चाहिए। ये छोटी सी चीज है कि पांव अगर हम क्रॉस करके भी बैठेंगे तो भी 6 से 8 मिलीमीटर का कम डिफरेंस ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग में आ सकता है। ज्यादातर इन छोटी छोटी बातों का हम कभी ध्यान नहीं रखते और एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हमारा मेजर नहीं हो पाता। जब भी हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस या कफ को बांधते हैं पेशेंट के हाथ पर, तब हमारा हाथ पूरी तरह से बेयर होना चाहिए, यानी हाथ पूरी तरह से कपड़ा वहां से हटाकर ही हमें उसको रखना चाहिए। इसके लिए हमें ये बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि या तो हम कोई टी शर्ट या इस तरह का कपड़ा पहने जिससे हम ऊपर करके ब्लड प्रेशर को मेजर कर सके, और अगर पेशेंट ने कोई स्वेटर वगैरह या इस तरह का मोटा कपड़ा पहना है तो उसको फोल्ड करके हाथ के ऊपर मत ले जाइए, नहीं तो अगर आप फोल्ड करेंगे तो एक कफ या एक टॉर्निकेट जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी हार्ट का नसें दबने लगेंगी और इसमें ब्लड प्रेशर की रीडिंग काफी गलत आ सकती है, ऑलमोस्ट 30 to 40 millimeters तक की गलती भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट कोई टाइट कपड़ा या गर्म कपड़ा या स्वेटर अगर पहना हुआ है तो उसे उतार करके फिर ब्लड प्रेशर का रिकॉर्डिंग करना चाहिए, या ऐसा कोई कपड़ा पहनना चाहिए जो कि बहुत हाफ स्लीव हो या टी शर्ट जैसा हो जिसे तुरंत हाथ पर से ऊपर कर सकते, हाथ का वो पोर्शन पूरी तरह से बेयर होना चाहिए और कफ को डायरेक्टली स्किन के ऊपर ही अप्लाई करना चाहिए। इस समय पेशेंट का हाथ एक्सटेंडेड होना चाहिए यानी फैला हुआ होना चाहिए और सीधे यानी सुपाइन पोजिशन में रहना चाहिए, उल्टा हाथ नहीं होना चाहिए। पेशेंट का हाथ जो है इस समय टेबल पर या ऐसी चीज पर रेस्टेड होना चाहिए। अगर पेशेंट का हाथ हवा में लटक रहा होगा तो हाथ की जो मसल्स को वो पेशेंट यूज कर रहा है उससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग में 6 से 8 मिलीमीटर तक का एरर देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर कफ के बारे में, यानी जो ब्लड प्रेशर के लिए जो हम पट्टा या वो बांधते हैं कफ, उसमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये जो कफ है इसके भी साइजिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। हम कोई भी साइज का कफ को यूज नहीं कर सकते, हम कफ का ब्लड प्रेशर के लिए जो यूज कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएटली साइज्ड होना चाहिए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। और ये ब्लड प्रेशर अगर हम बहुत दुबले पतले आदमी में बहुत बड़ा कफ यानी बहुत लूज कफ अगर यूज करते हैं तो भी बीपी की रीडिंग कम आएंगी,
या बहुत मोटे आदमी में अगर हम बहुत छोटा कफ यूज करते हैं जो कि उसके लिए बहुत टाइट है, तो बीपी की रिकॉर्डिंग नॉर्मली गलत आएंगी, रीडिंग काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग आएंगी वैसे पेशेंट में। तो अप्रोप्रिएट साइज कफ आपके पेशेंट के लिए जरूरी है। नॉर्मली भी क्लिनिक में एटलीस्ट 3 साइज के कफ्स लेने चाहिए, 1 साइज का कफ सब पेशेंट्स के लिए यूज करें तो रीडिंग ज्यादातर गलत ही आएंगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसका ज्यादातर ध्यान नहीं रखते हैं और ऑन एन एवरेज ये 10 से 15 मिलीमीटर तक का गलत रीडिंग कर सकता है। जब हम ब्लड प्रेशर का कफ बांधते हैं तो ज्यादातर हमें एल्बो यानी कि हमारा हाथ कोहनी वाले पोर्शन में उससे 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट पर इसको टाई करना चाहिए। स्टैंडर्ड मेजरमेंट में इसमें लगभग 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए और बिल्कुल जॉइंट पर इसे टाई नहीं करना चाहिए, जॉइंट से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। और अगर स्टेथोस्कोप वाले मेजरमेंट टेक्निक से आप कर रहे हैं तो ये जो 2.5 सेंटीमीटर वाला स्पेस है वो आप स्टेथोस्कोप को रखने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप से मेजर करते टाइम आपका स्टेथोस्कोप स्लीव कफ के नीचे या अंदर नहीं घुसाना चाहिए, नहीं तो उसमें नॉइज की वजह से वाइब्रेशंस की वजह से मेजरमेंट गलत आ सकते हैं। आपको कफ को बाहर ही रखना चाहिए, बहुत टाइटली अच्छे से स्नगली प्रेस करके चिपका के रखना चाहिए। होम बेस्ड डिवाइस जहां पर हम स्टेथोस्कोप नहीं यूज करें वहां पे भी कफ को तो ऐसे ही बांधना चाहिए, लेकिन कफ बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कफ गलत है या बहुत लूज है या बहुत टाइटली आपने बांधा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी बीपी की रीडिंग उसमें काफी सिग्निफिकेंट वेरिएशन आएगा और रीडिंग ज्यादातर केसेस में गलत ही आएंगी। आपके केसेस में ज्यादातर ये कफ जो है पेशेंट को पेन क्रिएट ना करे, इतना टाइट होना चाहिए पर और पेशेंट को लूज फील भी ना हो वैसा टाइट होना चाहिए। इसको अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखने से ही पेशेंट की रीडिंग सही आए इसका चांसेस है। इसके अलावा जब हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय पेशेंट को ब्लैडर यानी पेशाब का प्रेशर नहीं या मोशन का प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल है यानी पेशेंट को यूरिन का प्रेशर अगर आ रहा है तो इसमें भी लगभग 10 से 15 मिलीमीटर तक का भी मिस्टेक आ सकता है पेशेंट की बीपी रिकॉर्डिंग्स में। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हम ज्यादातर इस तरह की चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं और इवेंचुअली हमारा ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आती है और हम डॉक्टर को जाके बोलते हैं साहब हमारा ब्लड प्रेशर तो घर में बहुत ज्यादा आ रहा है, और ऑब्वियसली डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि आपकी हर बात को पूछे कि आप उस समय यूरिन का प्रेशर तो नहीं आ रहा था, आपका मोशन का प्रेशर तो नहीं आ रहा था, आपका बीपी आपने कफ सही से बांधा था कि नहीं बांधा था, आपके पांव आपने फोल्ड करके तो नहीं बैठे थे, आप किस पोजीशन में बैठे थे। ये सब चीजों की जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो एडिक्वेटली ट्रेनिंग होनी चाहिए पेशेंट्स की, पर क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी टाइम कंस्ट्रेंट रहता है और पेशेंट्स को अनअवेयरनेस रहती है यानी इसके बारे में पता नहीं रहता तो कई बार पेशेंट भी प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं कर पाते और बीपी की रीडिंग्स कई बार गलत हो जाती है। जब भी हम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस दौरान ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ डिस्कशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कोई ऐसे टॉपिक पर अगर बात कर रहे हैं जिस पर से हमारे मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग 6 से 8 मिलीमीटर तक का वेरिएशन इसमें आ सकता है। ज्यादातर हम जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो वो दिन भर के सेम टाइम पर करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी बीपी सुबह मेजर कर रहे हैं कभी रात को मेजर कर रहे हैं, तो इसमें दिन के दौरान भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस आ सकते हैं और बीपी की रीडिंग अलग अलग टाइम ऑफ डे पे भी अगर हम मेजर करते हैं तो रीडिंग्स गलत आ सकती है। इसको डायरनल वेरिएशन बोलते हैं और 5 से 10 मिलीमीटर का डायरनल वेरिएशन आम बात है जिसको हमें अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर हम दिन का ब्लड प्रेशर रिपोर्ट कर रहे हैं तो कई बार गलत रीडिंग आ सकती है। एक और चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जब हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो उस दौर उससे कितना टाइम पहले हमने दवा को लिया है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जब भी हम दवा को लेते हैं तो उसके बाद एक दवा का क्रेस्ट पीरियड आता है और एक ट्रफ पीरियड आता है। क्रेस्ट पीरियड यानी दवा का जब मैक्सिमम असर होता है और एक ट्रफ पीरियड यानी सबसे कम असर जब होता है। दवा को जब भी हम लेते हैं तो ज्यादातर उसके 2 या 3 घंटे के बाद सबसे ज्यादा दवा का पीक असर होता है। इस दौरान अगर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो हमेशा वो नॉर्मल या लो ही आएगा, और अगर ट्रफ पीरियड यानी दवा का जब सबसे कम इफेक्ट है उस टाइम पे अगर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादातर बहुत ज्यादा आपका बीपी उस समय हाई आएगा और हमें दवा का डोज अननेसेसरी गलत टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। तो आपने दवा कितने घंटे पहले लिया आपके बीपी के मेजरमेंट के टाइम वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 बजे दवा ले रहे हैं तो और 10 बजे मेजरमेंट कर रहे हैं तो डेली 10 बजे ही कीजिए। अगर आप कभी 10 बजे कर रहे हो कभी 2 बजे कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकता है। ज्यादातर ये बहुत छोटी सी बात है जिसका ज्यादातर कोई भी ध्यान नहीं रखता लेकिन इसकी वजह से भी सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स या गलतियां हो सकती है। ज्यादातर पेशेंट्स को कोई भी या स्मोकिंग या खाना वाना उससे पहले नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर मेजर करने के तुरंत पहले या 1.5 घंटे के पहले कोई स्मोकिंग या सिगरेट कंजम्पशन वगैरह करता है या टोबैको च्यू वगैरह करता है तो इसके कारण बॉडी में जो निकोटीन जाता है उसकी वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट होता है और ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में थोड़ा सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकता है।
इससे तुरंत पहले पेशेंट को खाना भी नहीं खाया होना चाहिए या कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि चाय कॉफी या सोडा जैसी चीजें भी नहीं लिया होना चाहिए, क्योंकि इससे भी ब्लड प्रेशर लेवल्स में बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकता है। इससे पहले पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल स्ट्रेस भी नहीं किया होना चाहिए। अगर पेशेंट कहीं से दौड़ के भाग के या सीढ़ी चढ़ के अगर आता और तुरंत ब्लड प्रेशर मेजर कर लेता तो आम बात है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर का एटलीस्ट वेरिएशन आ सकता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक जगह पर स्थिर अगर बैठे हुए हो तो उसके बाद ही ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहिए, अदरवाइज आपका बीपी का रीडिंग कई बार गलत भी आएगा। इस दौरान कोई पेनफुल प्रोसीजर्स नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट को उससे पहले कोई नीडल प्रिक हुआ हो या उससे पहले कोई चोट वगैरह लगी हो तो उसकी वजह से भी जो पेन क्रिएट होता है बॉडी में, तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, ब्लड प्रेशर की रीडिंग 20 से 30 मिलीमीटर तक का गलत भी आ सकता है। इस दौरान पेशेंट बिल्कुल एंग्शियस भी ना रहे, कोई घबराहट वगैरह दिमाग में नहीं होना चाहिए, दिमाग में कोई सोच वगैरह भी नहीं आना चाहिए। अगर पेशेंट के दिमाग में अननेसेसरी एंग्जाइटी वगैरह हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में लगभग 8 से 10 मिलीमीटर तक का वेरिएशन आ सकता है। बीपी ज्यादातर हमेशा सेम हाथ पे या सेम आर्म पे ही मेजर करना चाहिए, कभी राइट पे मेजर कर रहे हैं, कभी लेफ्ट में कर रहे हैं, कभी पांव में कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर सेम टाइम ऑफ द डे में सेम कमरे पर एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ द रूम पे चेक करना चाहिए। कई बार बहुत ठंड के उसमें आप मेजर कर रहे हो जहां एसी बहुत ज्यादा चल रहा है तो ब्लड प्रेशर फॉल्सली थोड़ा हाई भी आ सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनते हैं और ब्लड प्रेशर फॉल्सली थोड़ा एलिवेट भी हो सकता है। उसका उल्टा भी, अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर के रीडिंग्स में भी सिग्निफिकेंट एरर आ सकते हैं। इन सब छोटे छोटे एरर्स का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और मल्टीपल एरर्स अगर हम करते हैं तो ये हर एरर के साथ 5 से 10 मिलीमीटर का वेरिएशन आता है और ओवरऑल आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग में 30 से 50 मिलीमीटर तक का वेरिएशन भी आ सकता है या उससे भी ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के डेट में जहां लोग अवेयर हो रहे हैं और ज्यादातर लोग अपने ब्लड प्रेशर को घर पर मॉनिटरिंग करके उसकी रीडिंग्स डॉक्टर को बताते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर घर पे इतना आता है, क्लिनिक पे इतना आता है, वहां इन बातों को ध्यान में रखना और जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम घर पे प्रॉपरली बीपी को मेजर ही नहीं कर रहे हैं या प्रॉपरली चार्टिंग ही नहीं कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का, या सही टेक्निक से अगर हम बीपी को मेजर नहीं कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग हमेशा गलत आएंगी और आप डॉक्टर को जाके गलत मैसेज ही देंगे कि घर पे मेरा ब्लड प्रेशर 120 आ रहा है या 140 आ रहा है या 160 आ रहा है। और डॉक्टर अगर अननेसेसरी आपकी दवा को उसी हिसाब से अगर मॉनिटर कर या चेंज करता है तो आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होने का या बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या तो आपका दवा का डोज बहुत ज्यादा हाई होगा जिससे आपका बीपी बहुत कम हो जाएगा, या दवा का डोज बहुत कम होगा जिससे आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और इन सब छोटी छोटी बातों को जिसको हमने डिस्कस किया है उसे ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चार्ट में मैं लास्ट में आपके लिए एक चार्ट छोड़ दे रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स का जिस बारे में हमने बात किया इनसे क्या क्या मिस्टेक्स की वजह से कितना कितना ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ सकता है, ये इस चार्ट के माध्यम से आप असेस कर सकते हैं। और इन सब चीजों को जब हम एक साथ असेस करते हैं तो ओवरऑल आपके दिन भर के ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग्स में लगभग 30 से 40 मिलीमीटर तक का वेरिएशन आ सकता है अगर हम मल्टीपल मिस्टेक्स एक बार में करते हैं।